हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज हम इस चैप्टर क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 7, और साथ में यहाँ पर आपको कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, जिनके 3 ऑप्शंस होंगे, जिनमें मैंने 3 जो करेक्ट आंसर है उनको टिक किया है। तो आप लोग इन्हें अपने आप करने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद चेक कीजिए कि आपके आंसर करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं यहाँ मिसिंग नंबर्स हैं, ठीक है। आपको फिल करना है मिसिंग नंबर। डेट क्या है आज? 9 अगस्त। ओके, चैप्टर है 7, जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप सभी बच्चों ने ऑल एक्सेस कंप्लीट हो गई हैं, और आज हमको करना है वर्कआउट। वर्कआउट में ऑल एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको आपको फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? आप लोगों को टेबल्स लर्न होने चाहिए। टेबल्स लर्न होंगे तभी आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर है 3 × ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू 50। एट मीन्स 3 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 15 आना चाहिए। तो रीड टेबल ऑफ 3, 15 आना चाहिए बच्चों। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। ओके, यानी आपने कितने टाइम्स टेबल पढ़ा है? 5 times। ओके, तो यहाँ पर आप बॉक्स में फिल करेंगे 5। अब देखिए 3 × 5 = 15 इज इक्वल टू 50। इसी प्रकार से 8 का टेबल आपको पढ़ना है कि 48 आना चाहिए, ठीक है। आपको टेबल ऐसा पढ़ना है इक्वल 48 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? 8 का टेबल रीड कीजिए। कितने टाइम्स आपने रीड किया? 8 × 6 = 48। बच्चों, लर्न होना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोगों को थ्रू आउट आप लोग बताते जाइए, नहीं कि शुरू कर रहे 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 14। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग। आपको करना है टेबल ऐसे लर्न होना चाहिए कि बस आपको 8 का टेबल पढ़ना है 48। आपको लर्न होना 8 × 6 = 48, यानी 6 फिल कीजिए। 7 = 49, 7 का टेबल रीड कीजिए, 49 आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? 7 × 7 = 49। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इनको फिल कर पाएंगे आप? वेरी गुड। तो सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर लिख करके दीजिए, और ये बताइए कि यहाँ पर कितने बच्चों को टेबल्स लर्न है, क्योंकि जिन बच्चों को टेबल्स लर्न होगा वही बच्चे इन क्वेश्चन के आंसर सही से दे पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे लिखा है 456 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 456 यानी 456, जिसमें 400 यानी कितनी डिजिट होती है? 3 digit होती है, ठीक। तो 3 digit तो सभी 456। वॉट इज द सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर 849? बच्चों, सक्सेसर नंबर आप बच्चों ने आफ्टर नंबर बिफोर नंबर पढ़े, तो जो आफ्टर नंबर होता है वो जो है क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड पढ़ करके ये सक्सेसर कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था आफ्टर बिफोर, क्लास सेकेंड में आया तो इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया, और ये क्या कहलाया अब? सक्सेसर। तो जैसे 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 के आफ्टर वर्ड्स नंबर कम्स आफ्टर 9, आप बताते 10, है ना। इसी प्रकार से आपसे अगर पूछा जाए व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 8, तो आप बताते 9, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे 849 है, तो 9 हम डायरेक्ट ये पढ़ देंगे 49। ओके, 49 के बाद का नंबर क्या होता है? 50। ओके, क्योंकि अगर हम कहते हैं 9 के बाद कहते हैं तो आप कहेंगे 10, तो आप 10 लिखेंगे, 10 के पूरे 10 तो नहीं लिख सकते ना, उसके लिए आपको कैरी नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना पड़ता है। तो 9 के स्थान पे हो जाएगा 0, और 4 में 1 प्लस कर देंगे 5, 850। तो देखिए यहाँ पर कोई 850 दिया है? यस, दिया है। मेक 3 digit
स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट आपको बनानी। कैसे डिजिट बनानी? यहाँ पर आपको यूजिंग गिवन डिजिट, यहाँ पर आपको थ्री नंबर्स दिए गए 2, 5 एंड 9, इनसे आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो बच्चों ये बहुत ही इजी है। जब भी दिए गए नंबर्स, चाहे वो थ्री डिजिट नंबर्स हो, फोर डिजिट नंबर्स हो, या कितने भी नंबर्स हो, ठीक है, लास्ट नंबर्स, तो उनको बहुत ही इजी है। दिए गए सभी नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो किस में बदल जाएगी, वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में बन जाएगी। अगर इसी नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो किस में बदल जाएगी, उससे हमें जो है ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। अब इसी प्रकार से 259 इज़ द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर आपको थ्री नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से आपको दिए गए नंबर्स के ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाने। तो आप लोगों को पता है ना, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 297 या 792, फर्स्ट तो रॉन्ग है, सेकंड देखते हैं 927, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ग्रेटर होता तो 972 होता। आप देखते हैं यहाँ पे इसमें लास्ट वाले में, हाँ जी 279 और 972, ओके। तो इसको टिक कीजिए। व्हेन अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, विच नंबर विल बी एट सेकेंड पोजिशन इन द सीक्वेंस। यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हैं 256, 645, 250, 456, 650, तो बच्चों ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनको जब आप कैसे अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखा है, ठीक। तो जब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो सबसे पहले आप इन सभी नंबर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, 250। नाउ सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर 256, और इन्होंने क्या पूछा है, विच नंबर विल बी एट सेकेंड पोजिशन। तो सेकेंड पोजिशन में आपको वो नंबर मिल गया 256। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया, हाँ जी ये जो है आपका रिविजन वर्क है और ये आपका वर्क है, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये वर्क दिए है इसे आप अपनी नोटबुक में बुक में ही फिल कीजिए, जबकि रिविज़न वर्क आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ओके। साथ में इसका रिविज़न करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।